हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आई परनीत को वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिश विद परनीत। गाइस, आप लोगों के सी के एग्जाम ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले हैं ओके okay? आपका कल और परसों कल आपका आखिरी शिफ्ट होगा और उसके बाद थर्टीन से आपके सीजल स्टार्ट हो जाएंगे तो गाइस आप लोगों को मैंने जितने भी मॉक्स करवाए हैं आप लोगों को जितनी भी मैंने वोकेब्लरी करवाई है प्रैक्टिस सेशन करवाए हैं आई होप आप लोगों को वो बहुत यूजफुल होंगे क्योंकि हमने देखा कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जैसे हमने डिस्कस किए थे जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे उसी टाइप का पैटर्न आया है और बहुत सिंपली आप लोग पेपर अटैम्प्ट कर पा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए कि मैम आपके मॉक सेशन्स ने बहुत बहुत हेल्पफुल थे आपके वोकैप सेशन भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी तो गाइज थैंक यू सो मच आप लोग बस ऐसे ही मेहनत करते रहे और मैं आपके साथ हूँ आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में तो मैं हमेशा

थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच जल्दी से सेशन को शेयर कर दो ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स भी आ जाए है ना आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आई सी एच एस एल के दौरान कुछ भी आप लोगों को लगा या कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं आपको कोई सजेशन चाहिए सीजल के लिए तो भी आप पूछ सकते हैं क्योंकि गाइस परसों से आपका सीजिल चालू हो जाएगा राइट गाइस चलो फटाफट सारे स्टूडेंट्स आ जाए और सेशन को शेयर कर दें ताकि हम आ, अपने सेशन को कर सकें स्टार्ट ओके प्रभात निखिल विवेक राहुल वेलकम वेलकम गाइस टू माय सेशन एमटीएस के लिए भी करवाएंगे राहुल जी एमटीएस के लिए अभी एस के जैसे एग्जाम आने लगेगा हम एमटीएस के लिए भी पढ़ेंगे ठीक है टेंशन मत लीजिए जैसे जैसे एग्जाम आता जाएगा हम वैसे वैसे मेहनत करते रहेंगे इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे ओके जी चले सेशन को करते हैं स्टार्ट आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं मैम क्या ये क्लास यूट्यूब पे हो रही है वेरी गुड प्रभात बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है <laughs> चलो ओके आ जाएगा जल्दी से आ जाए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आती हूँ सेशन को शेयर कर दो ताकि आपकी बाकी फ्रेंड्स भी इस क्लास को ज्वाइन कर सके okay? so guys, आपकी स्क्रीन पे ये रहा वाइल्ड ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड अ स्पीडिंग कार नॉक डाउन टू हिम ओके अलॉन्ग द रोड अ स्पीडिंग कार नॉक डाउन टू हिम क्या आंसर होना चाहिए जल्दी से आंसर बताएंगे ओके ग्रेट ट्वेंटी थर्ड जो ट्वेंटी थर्ड को है जुलाई को है बेटा जुलाई चला गया सूरज जी अगले साल देंगे क्या है जी अगले साल देने है? चलो तो वाइल ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड अ स्पीडिंग कार नॉक डाउन टू हिम आपको इसमें से एरर फाइंड आउट करना कि कौन सा एरर आपका है ठीक है जी बताएंगे कौन सा एरर इसमें से होगा तो करेक्ट आंसर आपका होगा करेक्ट आंसर क्या होगा मैं रीड कर रही हूं आप लोगों के आंसर तो अभी तक नहीं आया ठीक है तो गाइस करेक्ट आंसर होगा आपका नॉक डाउन टू हिम नहीं knocked नॉक डाउन हिम गाइज while ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड अ स्पीडिंग कार knocked डाउन हिम ठीक है Uh, knocked down him, या फिर knocked him down, आपका एर है. Yes, no, oh, है ठीक है जी सी में आपका एर है ठीक है जी फर्स्ट मैम फर्स्ट शिफ्ट का इंग्लिश का लेवल टफ था आज ओके फर्स्ट शिफ्ट का इंग्लिश का लेवल टफ था इस क्वेश्चन मुझे नहीं मिले जितने क्वेश्चन मिले मैंने अन अकेडमी करवा दिया था हाना? और अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट है तो पूछ सकते हो राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाइदर ऑफ द टू ब्रादर्स डिग्रीज क्या आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर बताना है कि कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन का इसमें एरर होगा ओके okay, कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा डाउन है तो हम टू लगाएंगे नहीं वहां पे नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैव रिसीव्ड देयर है दोनों ब्रदर्स में से किसी को डिग्री नहीं मिली है तो so गाइस एक बात ध्यान रखना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये आज एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड ईच से एक आपका आया था ईच ओके आइदर नाइदर ओके एवरी

सिंगुलर वर्ड्स है ठीक है आपका सिंगुलर नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब भी आएगा तो करेक्ट आंसर आपका हैज होगा ठीक है नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज ब्रादर्सिव देर डिग्री ऑफ द टू ब्रदर्स हैज रिसीव्ड देयर डिग्रीज ओके गॉट इट गाइस तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा ध्यान रखना गाइस ये सारे सिंगुलर वर्ड है इन सबके साथ आपका सिंगुलर वर्ब भी आता है इन सबके साथ आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हो ओके okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएंगे इसमें से कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है गाइस गॉगल्स गॉबल या फिर ग्लोबल विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट ठीक है इसमें से बताएंगे कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज रॉन्ग ग्लोरी गॉगल्स गोबल या फिर ग्लोबल गाइस इन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो यहां पे है गाइस दैट इज गोबल ठीक है जी ओ बी बी एल ई होता है ठीक है गोबल होता है ठीक है जी जी ओ बी बी एल ई होता है करेक्ट स्पेलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं गाइस करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएंगे इसमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है बताएंगे इसमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है कौन सी स्पेलिंग गाइस यहां पर करेक्ट होगी ओके लाइवलीहुड में लाइवलीहुड लाइवलीहुड इसमें लाइवलीहुड की कौन सी स्पेलिंग है करेक्ट है विच ऑफ द स्पेलिंग करेक्ट विच ऑफ द फॉलिंग स्पेलिंग इज करेक्ट तो गाइस लाइवलीहुड की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है जल्दी से बताएंगे कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे लाइवलीहुड की करेक्ट है तो गाइस करेक्ट स्पेलिंग लाइवलीहुड की है वो है लाइवलीहुड लाइवलीहुडी लाइवलीहुड -E आपकी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी फटाफट सेशन को शेयर मार दो जल्दी से शेयर कर दो ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स वेंड्स भी पहुंच जाए क्लास में ओके नेक्स्ट ईडियम्स बताएंगे सेपरेट द वीट फ्रॉम द शेफ सेपरेट द वीट फ्रॉम द शेफ आपका ईडियम है गाइस ईडियम्स एंड फेस इसका आंसर देंगे सेपरेट द वीट फ्रॉम द शेफ ओके सेपरेट द वीट फ्रॉम द शर्फ एन क्वेश्चन एकदम सही करके आए तो ऑफकोर्स आपके अच्छे बहुत अच्छे स्कोर बन जाएगा बेटा देखो सेपरेट द वीट फ्रॉम द वीट को शाफ से अलग करने का मतलब गाइस क्या होता है वट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ईडियम इस मीडियम का मीनिंग क्या होगा ओके okay, काफी लोग स्टूडेंट्स ए कह रहे हैं वन कह रहे हैं टेक क्रेडिट फ्रॉम समवन एल्स अचीवमेंट टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स अचीवमेंट ये ना डिस्टिंग्विश वैल्यूबल और थिंग्स फ्रॉमर्थले बेटा गलत आंसर दे रहे हो अब एक बात बताओ वीट को शाप से अलग करते हो वीट वैल्यूबल होती है और वो शाप जो होता है जो उसका भूसा होता है छिलका होता है वो बर्थलेस है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता ठीक है तो यहां पर क्यों करते हैं ठीक है डिस्टिंग्विश वैल्यूबल पीपल डिस्टिंग्विश वैल्यूबल पीपल ठीक है जी डिस्टिंग्विश वैल्यबल पीपल और थिंग्स फ्रॉम दी वर्थलेस वन जो वर्थलेस ने जो इंपॉर्टेंट जिसकी वैल्यू नहीं है उसको डिस्टिंग्विश कर देना अलग कर देना नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस चेंज ट्यून चेंज ट्यून क्या मीनिंग होगा गाइस चेंज ट्यून का टू रिकॉन्सिडर समथिंग दैट विल नेवर है डिसाइड टू डू समथिंग अनप्लीजेंट टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट क्या आंसर होगा चेंज ट्यून का वट शुड बी द आंसर ऑफ चेंज ट्यून गाइस जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा वट इज द मीनिंग ऑफ चेंज ट्यून ये तो हम हिंदी में भी बोलते हैं गाइस ये तो हम हिंदी में भी बोलते हैं सुना होगा आप लोगों ने जरूर पक्का कभी चेंज ट्यून का मतलब क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज ट्यून टू रिकॉन्सिडर समथिंग दैट विल नेवर है सीक्रेट वट इज द मीनिंग ऑफ चेंज ट्यून ठीक है तो ट्यून बदल लेने का मतलब होता है रिकॉन्सिडर करना ठीक है चेंज ट्यू का मतलब होता है रिकॉन्सिडर करना किसी चीज को दोबारा से कॉन्सिडर करने को हम कहते हैं चेंज ट्यून हमने ट्यून बदल दी है ना गाइस तो पहले तो तुम कुछ और बोल रहे थे अब तुम्हारी ट्यून बदल गई है ना गाइस ऐसे कहते हैं येस तो पहले तो तुम कुछ और बोल रहे थे या कुछ और कर रहे थे अब दोबारा से कुछ और कभी कुछ कभी कुछ हम कहते हैं ना कि तुम्हारी बड़ी आजकल तुम्हारी ट्यून बड़ी बदली बदली सी लग रही क्या चक्कर है कई लोग पहले बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं वो तो पहले अपने आप को बहुत स्वाग में बात करते हैं और जब घमंड उतर जाता है तो ट्यून बदल जाती है ना गाइस फिर वो रिकन्सिडर कर देते हैं दैट इज टू चेंज ट्यून ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस वन हु इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग ठीक है वन हु इज इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और ठीक है जिस जो को भी गलती नहीं करता एक्यूरेट इन इन एलिजिबल ये वर्ड आपके आ चुके हैं एग्जाम में गाइज और ये इंपॉर्टेंट अभी भी है तो ध्यान रखना किसी ना किसी शिफ्ट में मिल मिला गए तो ठीक है क्या आंसर होंगे गाइज वन हुपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बींग रॉन्ग क्या आंसर होगा ठीक है इनएक्यूरेट समथिंग जो कि करेक्ट ना हो इनक्यूरेट मतलब जो चीज करेक्ट ना हो इनफॉलिबल जो कभी मिस्टेक ना करे ओके इनफॉलेबल दैट मीन्स जो कभी मिस्टेक गलती ना करे इनइविटेबल जिससे आप अवॉइड नहीं कर सकते इनइविटेबल का मतलब जिससे आप अवॉइड नहीं कर सकते और इन एलिजिबल मतलब जो कि एलिजिबल ना हो ठीक है जो कि एलिजिबल ना, ना हो तो करेक्ट आंसर आपका इनफॉलिबल हो जाएगा ओके okay गाइस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ ठीक है

तो करेक्ट आंसर होगा बर्थ की बात करें बर्थ से मतलब कि जन्म से जन्म जन्म से हम कुछ चीज कहते हैं ना तो जन्म से ऐसा है जन्म से समथिंग तो दैट इज आपका कॉन्जेनाइटल ठीक है कॉन्जेनाइटल का जीन से याद रख लेना जीन से याद रख लेना जीन से कि कॉन्जेनाइटल है बर्थ से है बर्थ से है कॉन्जेनाइटल का मतलब बर्थ से होना ठीक है अनॉर्मली आउट ऑफ ऑर्डर आदत क्रॉनिक मतलब समथिंग परसिस्टेंट जो चीज लगातार चलती रहे है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें कन्विक्शन गाइस सिनोनम ऑफ सिनोनम ऑफ कन्विक्शन फॉल्स बिलीव डिप्रेस आंशर्स या फिर स्ट्रॉन्ग बिलीफ क्या आंसर होगा गाइज कन्विक्शन का सिनोनम बताएंगे फॉल्स बिलीव डिप्रेस आंशर्स या फिर स्ट्रॉन्ग बिलीफ वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर कन्विक्शन का मतलब क्या होता है सिनोनम पूछा गया सिनम सिनोनम है

वट इज दोप्रिएट सिन ऑफ इनरेज आज से रिलेटेड एक और वर्ड आज का आया था uh, लिविड आया, आया था मतलब होना, होना, uh, होना, होना, जी तो क्या हो जाएगा एंगर होना क्राउड होना आंसर होना या फिर एनजाइटी होना आज आपके एग्जाम में आज से रिलेटेड वर्ड आता है तो एनरेज का मतलब होता है वन हुज वेरी एंग्री वन हुज वेरी वेरी एंग्री को एनरेज कहा जाता है अंग्रेज नहीं एनरेज कहा जाता है वन इज वेरी एरी एंग्री फ्यूरियस है ना जो बहुत ज्यादा भड़का हुआ हो गुस्से में हो उसे एनरेज कहते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट प्लिंटली प्लिटी सॉरी प्लिंटी का आप लोगों ने बताना है ऑपोजिट ओके एंटोनेम बताना है प्लिंटी व्हाट इज द्लिंटी सॉफ्ट स्टीली ओके प्रीएम्प्टिव या फिर ऑकवर्ड व्हाट इज द क्या आंसर होगा uh, uh, या फिर ऑकवर्ड तो गाइस सॉफ्ट होता है आपका एंटोनिम ठीक है फ्लिंटली का मतलब होता है सख्त समथिंग दैट इज हार्ड है ना कोई चीज जो बहुत ज्यादा हार्ड होती है होती है, उसे हम क्या कहते हैं उसे हम फ्लिंटली कहते हैं और एंटोनिम हो जाएगा सॉफ्ट एंटोनिम हो जाएगा सॉफ्ट क्लिंटली का एंटोनियम सॉफ्ट हो जाएगा ऑकवर्ड आप जानते हैं प्रीएमटिव स्टिटली स्टीलली तो आपका स्ट्रॉन्ग होना है ना सिंपल गाइस अंग्रेज नहीं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस एक्विटेड acquitted का गाइस सिनोनिम बताएंगे व्हाट सॉरी एंटोनिम बताएंगे एंटोनिम ऑफ acquitted ये व्हाट इतनी बार आ चुका है आपके एग्जाम में हो सकता है सीजल-विजल में आ जाए ध्यान रखना है ना acquitted का सिनोनिम क्या हो एंटोनिम क्या आ जाएगा फ्री बर्डन कनविक्टेड या फिर इंटरेस्टेड फ्री बर्डन इंटरेस्ट कनविक्टेड या फिर इंटरेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी को दे देना लाद देना है ना किसी पे परिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है तो दे देना लाद देना कन्विक्ट करने का मतलब गाइस क्या होता है ये अभी आप आपको मैं नहीं बताऊंगी फ्री कर देना होता है बर्डन कर देना होता है एक्विट का मतलब गाइस क्या होता है ठीक है एक्विट का मतलब क्या होता है इक्विट का मतलब होता है फ्री कर देना ठीक है अपराध मुक्त कर देना अक्विट का मतलब फ्री कर देना होता है तो एंटोनिम कन्विक्ट कई एक्विटेड कन्विक्टेड वर्ड ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है एक्विटेड और कन्विक्टेड एक्विट का मतलब फ्री करना कन्विक्ट क्रिमिनल से याद रखना कि किसी बता दिया है क्रिमिनल बोल दिया है कन्विक्ट कर दिया उसका दोष उस पर लग गया है ठीक है दैट इज कन्विक्टेड ओके जी चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं she dash university by this time next year she dash university by this time next year she is going to graduate will graduate will have graduated ya would have been graduated kya answer hona chahiye? guys she dash university by this time next year she is going to graduate she will graduate she will have graduated ya would have been graduated what should be the correct answer <coughs> She dash university by this time next year. क्या आंसर होगा? She will have graduated by this time next year की बात चल रही है. Future perfect tense है, guys. Future में ये काम हो चुका होगा. फ्यूचर में ये एक्शन खत्म हो चुका होगा ये बात फ्यूचर की है तो आपको पता ये और ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते विल की बात है और यहाँ पे बाय दिस टाइम नेक्स्ट है मतलब इस टाइम तक हो चुका होगा इन दैट सेंस वी विल यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस ठीक है उस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे शी विल हैव ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी बाय दिस टाइम इस टाइम तक अगले साल इस टाइम तक वो एग्जामिनेशन पास कर चुका होगा तो ना अगले साल तक यार मैं ऑफिस मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका होगा अगले साल तक इस टाइम शायद कोरोना पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा तो इसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्टेंस ठीक है जहां पे हम विल शाल के साथ ठीक है जहां पे हम विल शाल के साथ है प्लस वी थ्री का यूज करते हैं ठीक है थेके? इसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव 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 शी विल 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 अ अ लेटर वी कंप्लीटेड वर्क तो के साथ आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हो ठीक है चलो भाई बात समझ में आ गई सबको आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन डॉन वॉज जस्ट डैश वेन वी स्पॉटेड द शिप ठीक है डॉन वॉस जस्ट वेन वी स्पॉटेड द शिप क्लोजिंग ब्रेकिंग अराइविंग या फिर कमिंग क्या आंसर होगा गाइस डॉन वॉज जस्ट डैश वेन ही स्पॉटेड द शिप क्लोजिंग ब्रेकिंग अराइविंग या फिर कमिंग क्या आंसर होगा जी बताओ तो डॉन क्या क्लोज हो रहा था ब्रेक हो रहा था अराइव हो रहा था या फिर कमिंग बेटा डॉन का मतलब यहाँ पे डॉन नहीं है ठीक है अब अंधेरा छट रहा था वेन वी स्पॉटेड शिप डॉन वॉज जस्ट ब्रेकिंग ठीक है अंधेरा छट रहा था वी शिप तब उनको उस रोशनी में शिप दिखने लगी ठीक है चलो तो करेक्ट आंसर आपका ब्रेकिंग होगा ब्रेकिंग कमिंग नहीं आएगा ब्रेकिंग अंधेरा टूट रहा था छट रहा था और रोशनी में हमें शिप दिखने लगी चलो पारा जब मिलकर क्वेश्चन ध्यान से रीड करके आंसर देंगे बहुत सिंपल इजीली कनेक्ट कर सकते हो ध्यान से आंसर देना बस ओके गाइस सो सिंपल क्वेश्चन गाइस ओके क्या आंसर होगा गाइस क्या आंसर होगा ए बी सी या डी अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस तो आप आर से तो स्टार्ट देखो पी है और आपका एस है इट ऑफन अटैक इट ऑफन अटैक ये कौन अटैक करता है ठीक है ऑफकोर्स पोलियो ही अटैक करती है जिसके बारे में हमने बात की है तो पी वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता बिकॉज हमने पहले पोलियो की बात करनी है ठीक है जी पहले हमने पोलियो की बात करनी पोलियो पोलियोमेटल पोलियोमेटलिस माइलेटलिस और पोलियो इज अ सीरियस इन्फेक्शन ऑन इज बाय अ वायरस ठीक है polio, uh, polio metal, uh,

नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज एक और क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे आंसर देना चालू करेंगे गाइज आप लोगों का जोश कैसा है मतलब सीजल विज़ल एग्जाम देने के बाद सी एच एस एल देने के बाद एग्जाम में जोश बढ़ गया या ठंडा हो गया या दुखी हो गया कैसा है क्योंकि अभी आप लोगों के सीजल चालू होने वाले आईनो आप लोगों बहुत ज्यादा दिमाग में थॉट्स लेकर बैठे होंगे क्या होगा कैसा होगा कब होगा गाइस सब छोड़ दो आराम से पेपर देकर आओ आप बस ये देखो जो मैंने पढ़ा है वो मुझे वहां पे अप्लाई करके आना बस ये थॉट लेकर जाओगे तो बहुत अच्छा जाएगा देखें बहुत ज्यादा दिमाग में प्रेशर दोगे मैंने देखा है बहुत सारे तो स्टूडेंट इतना ले लेते हैं भाई अब नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा अब क्या होगा अब नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा नहीं इतने सारे थॉट्स आप लोग दिमाग में रख लेते हो माइंड को रिलैक्स करो ताकि वो काम कर सके है ना चलो तो करेक्ट आंसर गाइस आपका आ गया डी ऑफ कोर्स द हैप्पी मैन इज द मैन हु लिव्स ऑब्जेक्टिवली यहीं से बात स्टार्ट होगी करेक्ट आंसर डी होगा तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा सिंपल क्वेश्चन है जिसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है ठीक है जी तो करेक्ट आंसर इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं ओके वेरी गुड शनी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटो वैन

एंड अरिस्पेक्टेड मेंबर गई यहाँ पे क्या दिक्कत है देखो यहाँ पे एब्जेक्टिव लगाया है पहली बात तो यहां पर भी एबजेक्टिव ही लगना चाहिए ठीक है सक्सेसफुल बोला रिस्पेक्टेड मेंबर था ठीक है जी जो उसे रिस्पेक्ट किया जाता था रिस्पेक्टफुल नहीं उसे रिस्पेक्ट किया जाता था ठीक है तो ये वाली बात कट गई ठीक है अच्छा अब यहाँ पे गाइस तुम लोग को लग रहा है कि मैम यहाँ पे रिस्पेक्टफुल भी ले सकते हो गाइस हम ओटो वैन फ्रैंक एक ही व्यक्ति है एक ही व्यक्ति के लिए आप एक ही आर्टिकल का यूज करते हो ठीक है आप एक ही व्यक्ति के लिए एक ही आर्टिकल का यूज करते हो आपने उसके लिए ऑलरेडी एक आर्टिकल यूज कर लिया है अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो आपने एक आर्टिकल यूज कर लिया है दैट मीन्स आप दोबारा उसके लिए आर्टिकल यूज नहीं करोगे तो करेक्ट आंसर इस हिसाब से बी हो जाएगा सी तो हो नहीं सकता रिस्पेक्टिव

ट विच मेक्स फ्री शेयरिंग ऑफ डेटा होना चाहिए सिंपल क्वेश्चन है टेलीग्राम की लिंक नीचे दी हुई है बेटा आप लोग उससे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ओके okay. क्या होगा म्यूजिक एंड वीडियो इंडस्ट्री तो गाइस म्यूजिक एंड वीडियो इंडस्ट्री एक ही है इंडस्ट्री तो एक ही है अलग अलग थोड़ी है ठीक है आपका ये तो आप किसके एडजेक्टिव हो गए म्यूजिक इंडस्ट्री वीडियो इंडस्ट्री इंडस्ट्री तो एक ही है अगर इंडस्ट्री एक है तो वर्ब भी सिमिलर होना चाहिए तो हैज हाँ ट्रांसफॉर्म्ड होगा ठीक है has transformed आना चाहिए म्यूजिक एंड वीडियो इंडस्ट्री है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस मिस्टर शैलेश आस्ट हिज सर्वेंट बाय द चाइल्ड क्राइड मिस्टर शैलेश आस्ट सर्वेंट बाय द चाइल्ड क्राइड आपको इसमें एक्टिव पैसिव सॉरी नरेशन का क्वेश्चन ध्यान से आंसर देंगे ध्यान से आंसर देंगे तो मिस्टर शैलिश आसन वाई चाइल्ड क्राइड क्या आंसर होना चाहिए मिस्टर शैलिश ध्यान से देखेंगे आपका इनडायरेक्ट है आपको इसको डायरेक्ट में चेंज करना है ठीक है तो उसी हिसाब से टेंस को उसी हिसाब से वर्ब को चेंज करेंगे मिस्टर शैलिश वाई द चाइल्ड क्राइड सेंटेंस पास्ट का है ठीक है सेंटेंस पास्ट का है तो सेंटेंस पास्ट का है, तो हम इन डायरेक्ट में क्या करेंगे प्रेजेंट में डायरेक्ट में जाएंगे तो प्रेजेंट में लिखेंगे तो वाई डाइल्ड क्राई क्राइड तो होगा नहीं ठीक है वाई आप पूछ रहे हो तो यहाँ पे डस तो आएगा ही आएगा वाई डज द चाइल्ड क्राई मिस्टर सेलेश टोल्ड हिज सर्वेंट टोल्ड नहीं वो पूछ रहा है टोल्ड नहीं वो पूछ रहा है इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा ओके okay, चलो ओके okay जी बेटा वो नाउन फ्रेज ने रिस्पेक्टेड मेंबर आपका है ठीक है वो आपके नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन द फोर्स ऑफ द विंड टर्न द लीव्स अपसाइड डाउन क्या आंसर होगा द फोर्स ऑफ द विंड टर्न द लीव्स अपसाइड डाउन ठीक है एक्टिव पैसिव गाइज टर्ड टर्न क्या द साइड डाउन क्या आंसर होना चाहिए एक्टिव पैसिव ध्यान से देखेंगे टेंस कौन सा है सब्जेक्ट कौन सा आएगा द लीव आएंगे ये तो क्लियर हो गया फिर वर्ब कौन सा आएगा आपका ये भी आपको ध्यान से देखना है ठीक है जी चलो तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ए क्योंकि द लीव्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए तो ये दोनों तो कहे तो यहाँ पे वर्ड टर्न आएगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट का था ठीक है तो वर्ड टर्ड आएगा पैसे बनाने के लिए तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा ध्यान okay, ध्यान से दियान से क्लोज टेस्ट रीड करेंगे और आंसर देना चालू करेंगे ध्यान से टेस्ट रीड करेंगे मैटर ओके रीड करें an essay is the short composition in dash that undertakes to discuss a matter express a point of view or dash as to accept an idea or any subject it is addressed to a general rather dash a specialized audience as a dash the essay discusses its subject in a non-technical fashion often with dash use of anecdote illustrations and humor. guys cancer on a शॉर्ट कॉम्पोजिशन रैप्सोडिक पोएटिक प्रोस या फिर rhythmic. तो ऐसे क्या होता है गाई? ऐसे आपका matter, पे आप प्रोस लिखेंगे prose, यहाँ पे पोएटिक कुछ भी नहीं है प्रोसेस हो प्रोस होते हैं ठीक है दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू और डैश अस टू एक्सेप्ट एन आइडिया और डेटर हिंडर परसुएड या फिर डिस्करेज क्या आएगा गाइस और डेटर हिंडर परसुएड या फिर डिस्करेज आज टू एक्सेप्ट एन आइडिया वट शुड बी द आंसर एंड डेटर हिंडर परसुएड या फिर डिस्करेज तो गाइस एंड

Uh, it does address to a general ra general rather dash a specialized audience it is addressed to a general rather dash a specialized audience quite then than ya fir, for okay can <clears throat> answer guys <clears throat>

स्पेशलाइज ऑडियंस एज अ डैश क्या आंसर होगा स्पेशलाइज ऑडियंस एज अ प्रेसिडेंट प्रोवाइड कॉन्सिक्वेंसिस या फिर इंपॉर्टेंस क्या आंसर होना चाहिए एज अ प्रेसिडेंट प्रोवाइड कॉन्सिक्वेंस या फिर इंपॉर्टेंस वट शुड बी द आंसर निखिल अजा अद्रिजा पानूजी अलकाफ दिनेश दानिश कुलप्रीत निखिल ओके गाइस ग्रेट तो करेक्ट आंसर क्या होगा कॉन्सिक्वेंस प्रोवाइड प्रेसिडेंट क्यों होगा ठीक है सो ऐसे जो होता है नॉन टेक्निकल फैशन में उस सब्जेक्ट को डील करता है उसके बारे में डिटेल्स uh, देता है ठीक है जी ऑफ्टन विद डैश ऑफ एनिकोट ऑफ्टन विद डैश ऑफ एनिकोट इलेट्रेशन एंड ह्यूमर क्या, क्या होगा ऑफ्टेन विथ डैश यूज ऑर्थोडॉक्स लिबरल कन्वेंशनल या फिर फिर रिफ, रिप्रेसिव क्या आंसर होना चाहिए गाइस जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए ऑर्थोडॉक्स लिबरल कन्वेंशनल या फिर रिफ्रेसिव वेरी गुड गाइज तो क्या आंसर आना चाहिए कौन सा यूज ऑफ डैश ऑफ एनेस लिबरल यूज ऑफ ऑर्थोडॉक्स कट्टरपंथी की तो बात नहीं होगी यहाँ पे कन्वेंशनल भी नहीं होगा है न? ना ना कंप्रफर लिबरल यूज ऑफ एनेक्डोट आप लिबरली एनेक्डोड अच्छे खासे एनेकडोड का यूज कर सकते हो इलिस्ट्रेशन एंड लिबरली यूज कर सकते हो इन ह्यूम ठीक है जी तो ये आपका हो गया तो गाइस आज आपको मैंने ये मॉक करवाया है मगर मैंने आपको कहा कि मैं आपको ज़्यादा लोड नहीं दूंगी आप लोगों को एग्जाम है रिलैक्स रहिए बहुत अच्छे से पेपर देकर रहें रिविजन करते रहें जितना आप लोगों को रिविजन कर सकते हैं ठीक है बाकी एग्जाम्स के बाद हम और प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से बढ़ाएंगे क्योंकि आपको मेंस की भी तो तैयारी करनी है ना मेंस की तैयारी करनी है और भी आपके एग्जाम्स आएंगे सीपीओ वगैरह वगैरह तो गाइस तब इन एग्जाम्स में मिलेंगे मगर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े जिनका कल एग्जाम है ऑल द बेस्ट जिनका परसों सीजल है उनको भी वही ऑल द बेस्ट बिल्कुल 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 टेंशन नहीं लेना ठीक है चलो तो सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक like करके जाना एटलीस्ट सेशन को लाइक like कर दिया करो शेयर कर दिया करो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो एक बार आप लोग एटलीस्ट हर स्टूडेंट एक 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 बार बार अपने किसी किसी ना फ्रेंड किसी ग्रुप्स में शेयर जरूर करें भले आप करें अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो एटलीस्ट वन टाइम ठीक है आप लोग सेशन को शेयर जरूर किया करें ताकि आपके फ्रेंड्स को एटलीस्ट नॉलेज हो कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही हूँ कैसे पढ़ा रही हूँ ठीक है जी चलो दैट्स रियली ग्रेट गाइस okay चले तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में गाइस तब तक के लिए बाय टेक केयर बी हैप्पी चिल आउट एंड स्टडी है बाय